नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप देख रहे हैं डाइटिशियन लक्ष्मी डॉक्टर विनीत और मैं हूँ आपकी अपनी डाइटिशियन एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी लक्ष्मी यादव। हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड के बारे में, डिसीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में एंड प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 वेट लॉस विंटर ड्रिंक्स। जी हाँ, सर्दियों में सबका वज़न बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, लोग वर्कआउट नहीं करते हैं ड्यू टू लेजीनेस, ड्यू टू विंटर, ड्यू टू कोल्ड। तो आज का ये वीडियो है कि आप कैसे सर्दियों में अपने आप को फिट रख सकते हैं ढेर सारे न्यूट्रिशन के साथ, बिकॉज वेट लूजिंग इज़ नॉट अ केक वॉक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, ये सारे ड्रिंक्स को लेने के वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये ड्रिंक्स क्यों बेनिफिशियल हैं और ये भी हम बात करेंगे कि ये आपको कब ऐड करनी है आपकी डाइट में। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑयली फूड से बचना है, फ्राइड फूड से बचना है। ठंड के वक्त में स्पाइसी एंड ऑयली खाने का मन जो है वो ज़्यादा करता है। भजिए, मूंग के भजिए, समोसे, आलू बड़े, इनका सबका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहला है बीट रूट जूस। जी हाँ, ये जो बीट रूट होते हैं ये विंटर की जान हैं, शान हैं, और इनमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये रिच होते हैं, हीमोग्लोबिन को आपको रिच करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, आयरन रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं। और सबसे मज़े की बात है कि 100 ml बीट रूट के जूस से आपको सिर्फ 35 कैलोरीज मिलती है। एंड यू वोंट बिलीव कि आलिया भट्ट भी अपने विंटर वेट लॉस के लिए बीट रूट जूस का यूज़ करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ बीट रूट की। जी हाँ, अगर आप एक बीट रूट लेते हैं जो कि 100 ग्राम्स का है, उसमें आपको 35 कैलोरीज मिलती हैं। इसमें पोटेशियम होता है 9% अराउंड 325 mg, एंड इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं 10 ग्राम, इसमें फाइबर होता है 2.8 ग्राम, वाइटमिन सी होता है 8%, आयरन 4%, वाइटमिन B6 होता है 5%, मैग्नीशियम 5%, और कैल्शियम भी इसमें होता है 1%। हालांकि कैल्शियम का अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। जी हाँ, इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं आपकी आफ्टरनून ड्रिंक में। आप पहले इसे लें, उसके बाद आपका खाना खाएं। एक नॉर्मल बीट रूट को आपको पील करना है, छीलना है, और उसे आपके मिक्सर में थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से पीस लेना है, और फिर उसे सीव कर लेना है, छान लेना है। और ये रहा आपका बीट रूट का टेस्टी ड्रिंक तैयार। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत असरदार है लॉस के लिए। इसे आलिया भट्ट जी ने भी यूज़ किया है। आलिया भट्ट का कहना है कि वेट लॉस के लिए बीट रूट के जूस से बेहतर और कुछ नहीं है, और विंटर के वक्त में उसे ये ज़रूर ऐड करती हैं अपनी डाइट में फॉर द ग्लोइंग स्किन, फॉर एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? What you waiting for? Go ahead and add this drink in your daily routine. चलिए अब बात करते हैं दूसरे beneficial drink के बारे में, जो कि काफ़ी मिलता जुलता है बीटरूट से। सर्दियों की बात हो और गाजर का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विंटर फूड है भाई, इस सीज़न का सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा वाइटामिन रिच और फाइबर रिच जो फूड है वो है हमारा कैरेट, हमारा गाजर। तो आपको इसे जूस के फॉर्म में लेना है। कोशिश कीजिए कि आप इसे रॉ भी खा सकें, आप इसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में काट के, और वो आप खा सकते हैं। डेफिनेटली ये आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये आपको वेट लॉस देता है। इसमें जो कैलरीज हैं 100 ml में सिर्फ आपको मिलती हैं 39 कैलरीज। जी हाँ, आपके दिन में आप ब्रेकफास्ट में भी इसे ले सकते हैं, आप लंच में भी इसे ऐड कर सकते हैं। शाम को 5 बजे बाद अगर आप ले रहे हैं तो जूस के फॉर्म पर मत लीजिए, आप इसे सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं, सूप के फॉर्म में ले सकते हैं। जी हाँ, ये सारी जितने इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको आप मिक्स करके सूप भी बना सकते हैं। आप उसमें टोमेटो डालिए, उसमें कैरेट डालिए, उसमें बीट रूट डालिए। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी।
हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, क्योंकि ये विटामिन ए रिच होता है। कैरेट की बात करें तो कैरेट में 340% विटामिन ए है, विटामिन सी 9% है, आयरन 1% है, विटामिन बी 6.5% है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम 3% होता है, पोटेशियम का अच्छा जो है इसमें अमाउंट है वो है 320 mg। जी हाँ, जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी कैरेट उनकी डाइट में ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे ड्रिंक के बारे में। ये जो तीसरा ड्रिंक है ये बहुत ही ज़्यादा यमी और डिलीशियस है। विंटर में जो हमें डाइजेशन में ऐसा लगता है कि हमें ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और सुबह सुबह के वक्त में हम जब सो करके उठते हैं तब हमें क्या लगता है कि हम क्या लें, और चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन होता है, तो ऐसे में जो आपको चाय लेनी है वो है ये आपकी जिंजर टी। जी हाँ, आप अदरक की अच्छी चाय बनाइए और वो लीजिए, लो कैलोरीज रखिए, यानी कि आप उसमें शुगर मत डालिए, चीनी का इंटेक आप मत कीजिए, क्योंकि आप अगर शुगर लेते हैं तो वो कैलोरी रिच हो जाएगा। और विंटर में क्योंकि बहुत सारे लोग लेज़ी हो जाते हैं, अभी का जो मौसम चल रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड का है, लोग अपनी अपनी रजाइयों में घरों पर हैं, तो उस केस में आपके लिए ये जिंजर की जो चाय है, ये जो अदरक की चाय है, ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है वेट लॉस के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके स्किन पे ग्लो लाने के लिए। तो आपको ये चाय ऐड करनी है मॉर्निंग में, सुबह सुबह आपके ब्रेकफास्ट के साथ, इवन आप इसे मॉर्निंग में आपका पानी पीने के बाद भी ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक भी ये चाय ली जा सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेक श्योर कि आप उसमें शुगर ना डालें, आप चाहें तो जैगरी यानी कि गुड़ डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और विंटर में वो आपको इम्यूनिटी भी देगा। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ ड्रिंक है वो है सिनामन वाटर। जी हाँ, दालचीनी का जो पानी है, आपको दालचीनी को बॉईल करना है पानी के अंदर और फिर उसको छान लेना है, और फिर आपको एज अ ड्रिंक उसको सिप सिप करके बड़े आराम से लेना है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो सिनामन वाटर है ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है ताकि हम शुगर को ईज़ली डाइजेस्ट कर सकें। और वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि वो हमारी इंसुलिन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों, सिनामन को भी आपको ऐड करना है आपकी डाइट में, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एपेटाइट सप्रेसेंट का काम करता है, आपकी भूख जो आपको विंटर में बहुत ज़्यादा लगती है उसे कम करने का काम करता है। तो आपको ये सिनामन वाटर ड्रिंक भी लेना चाहिए, ये आप रात को सोते वक्त ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, इवन आपके लंच के 2 घंटे बाद भी आप ये सिनामन वाटर ले सकते हैं। ये ईजिली आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा और ब्लड शुगर लेवल जो हाई होता है आफ्टर टेकिंग फूड और मील, उसे ये कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का सारा वीडियो, आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। टेक केयर एवरीवन, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।